आरजेसी न्यूज, हम कराएंगे आपको सच से रूबरू। पर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय 3 वाहन चोर को गिरफ्तार किया। इनके पास से चोरी की 8 मोटरसाइकिल बरामद हुई। पुलिस के हत्थे चढ़े हैं वाहन चोर गिरोह। ये पिछले कई सालों से वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने बिजनौर जिले के 3 वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 8 मोटरसाइकिलें भी बरामद हुई है। ये स्वाट टीम ने और टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। ये चोर रहने वाले इसमें जनपद बिजनौर के ही हैं, दो नांगल के हैं और एक नगीना का। ये लोग मोटरसाइकिलें चोरी करते थे। मुख्यतः तो इसमें से हरिद्वार की चोरी मोटरसाइकिलें हैं। 6 वहाँ की बरामद हुई हैं जो चिन्हित हो गई हैं, एक देहरादून की और एक गाजियाबाद की भी। तो चोरी तो इन्होंने बहुत सारी की है, लेकिन ये 1,000, 2,000, 3,000 जैसा सेट हो गया वैसा ही उसको लेकर के काम बेच लेते थे, और बेचने के बाद से फिर इनकी गतिविधि जारी रहती थी। तीनों पकड़े गए हैं, अच्छी रिकवरी है, और इसके बाद से इन क्षेत्रों में ज़रूर असर पड़ेगा कि मोटरसाइकिलें चोरी होती थी। और इनके पकड़े जाने से जो विशेष तौर से जनपद हरिद्वार की चोरियाँ हैं उनमें काफ़ी कमी आएगी, और इनका मोडस ऑपरेंडी जिस तरह का है उस तरह से अब आगे जब ये करेंगे तो ये गैंग चिन्हित हो जाएगा। अभी तो इनको हम लोग सारी कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर के अंतर्गत भी इनको भेजा जाएगा। इनकी अलावा क्या और भी काम मिला है? नहीं, 3 का गैंग है ये, बाकी तो लिंक एक दूसरे से सब रहते हैं, नए नए गैंग शामिल करते रहते हैं। मेन गैंग लीडर एक रहता है, उसके बाद से कोई दूसरे काम में चला गया, जेल में है तो तीसरे साथी में बन गया, ऐसे ही अपना गैंग बदलते रहते हैं, बनाते रहते हैं। लेकिन इस गैंग के मुख्य 3 यही सदस्य हैं।